ओके, आज की इस वाले वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आपको जो है फास्ट ग्लूअल कैसे लगाना है लाइक डब्लू सिंह एंड राइस स्टार। सो देखो, आप कितने भी बढ़िया हेडशॉट क्यों नहीं मान लो, आप कितना भी अच्छा रैंड नंबर क्यों नहीं मान लो, लेकिन अगर आपकी ग्लूअल स्पीड ठीक नहीं है तो लोग आपको नूबड़ा ही बोलेंगे। देखो, फ्री फायर में दो टाइप के बंदे होते हैं ग्लू लगाने वाले। पहला जो होता है वो होता है सिटअप ग्लूअल लगाते हैं, जिनके वजह से जो उनका ग्लूअल है वो फास्ट लगता है। एंड सेकंड टाइप जो बंदे आते हैं वो होते हैं खड़े होकर ग्लूअल लगाते हैं, क्योंकि उनका मूवमेंट स्पीड अच्छा नहीं होता, इसी वजह से जो है वो उनका हर कोई बंदा नूबड़ा बोलता है। अब वो हेडशॉट तो अच्छा मान लेते हैं लेकिन फ्री फायर में, लेकिन जो उनका ग्लूअल स्पीड है वो बिल्कुल टट्टी है। भाई कुछ बंदे ये मत बोलना कमेंट में कि यार मेरा ग्लूअल स्पीड पहले से अच्छा है, मैं सिटअप ग्लूअल लगा लेता हूँ। अब सिटअप ग्लूअल लगाना एंड सिटअप ग्लूअल स्पीड से लगाना, इन दोनों में यार काफी बड़ा फर्क है। इसलिए आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ आपको जो है फास्ट सिटअप ग्लूअल किस तरीके से लगाना है। सो देखो, आपको मैं टोटल जो है 3 ट्रिक बताऊंगा, जिसे अगर आप फॉलो करते हो तो आप भी जो है फास्ट ग्लूअल इजिली तरीके से लगा पाओगे। इसलिए वीडियो को एकदम एंड तक देखते रहना एंड ये ट्रिक जो है यार काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। देखो, फर्स्ट जो ट्रिक आता है वो आता है कस्टम एचडी चेंजेस। देखो, अगर आप फास्ट ग्लूअल लगाना चाहते हो तो आपको जो है अपनी कस्टम एचडी में कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। अब वो चेंजेस क्या है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखो, फर्स्ट चेंजेस जो आता है वो आता है आपका क्राउच बटन। अब मैटर ये करता है, अगर आप फास्ट ग्लूअल लगाना चाहते हो तो जो सबसे ज्यादा मेन रीजन आता है वो आता है सिटअप। अब सिटअप आप लगाते हो क्राउच बटन से। अब ये जो क्राउच बटन है इसको अगर आप गलत प्लेस करते हो तो आप जो है कभी भी फास्ट सिटअप ग्लूअल नहीं लगा पाओगे। अब देखो, इसको रखना कहाँ है सबसे पहले वो बात कर लेते हैं। अब कुछ बंदे क्या करते हैं वो यहाँ पर रख लेते हैं। अगर आप फोर फिंगर खेलते हो तो आप इसको जो है जो आपका स्विच वेपन जो है उसके ऊपर जस्ट आप इसको रख सकते हो अगर आप फोर फिंगर खेलते हो तो। लेकिन फोर फिंगर यार बहुत कम बंदे खेलते हैं, यानी कि 90 में से कुल 3% आपको बंदे ऐसे मिलेंगे जो फोर फिंगर खेलते हैं। अब लेकिन जो बाकी के 90% बंदे हैं, जो 88% बंदे हैं, वो टू फिंगर ही खेलते हैं। तो आपको जो है अपना सेटअप ग्लूअल जो आपका फायर बटन है उसके जस्ट बराबर में आपको रखना है। अब इससे क्या होगा, जो आपका राइट साइड थंब है वो आप जल्दी से अपने सेटअप ग्लूअल पर डन कर पाओगे एंड इजीली तरीके से आप सेटअप ग्लूअल लगा पाओगे। इसलिए आपको अपना हमेशा क्राउच बटन अपने राइट थंब के आसपास रखना है, जिससे जो आप जल्दी से क्लिक करके एकदम फास्ट ग्लूअल लगा पाओ। अगर आप इसको गलत प्लेस करोगे तो आपका जो क्राउच बटन है, जो आपका थंब है, उस पर क्लिक नहीं होगा एंड आपका खड़े होकर ग्लू लग जाएगा, जिससे जो है आपका यार कुछ भी मजा नहीं आएगा और आपका मूवमेंट भी बढ़िया नहीं लगेगा। तो फर्स्ट चेंजेस ये है, वो है क्राउच बटन। एंड अब बात करते हैं सेकंड चेंजेस के बारे में, वो है आपका ग्लूअल बटन, यानी कि आपका जो ग्लूअल बटन जिस पर आप क्लिक करते हो। अगर आप इसको भी गलत रखते हो तो देखो, बहुत बार होता क्या है, जब आप रन कर रहे होते हो और आप फायर करके जब ग्लू वाले बटन पर क्लिक कर दो तो आपको ग्लू वाले बटन पर क्लिक नहीं होता है एंड आप बैठे के बैठे रह जाते हो और आपका ग्लू नहीं लगता, सामने वाला एनिमी आपको इजीली तरीके से मार के चला जाता है। सो आपको ये गलती कभी निकलनी है। अब मैं आपको बेस्ट प्लेस इसका ही बताता हूँ, इस बटन को आपको कहाँ पर रखना है, जिससे जो आपका लेफ्ट थंब है इजीली तरीके से जो आपका ग्लूअल बटन है उस पर क्लिक हो जाए। सो आपको जो अपने ग्लूअल बटन को ध्यान रखना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा नीचे रखने की कोशिश करना है। अब जो आपका लेफ्ट थंब है वो रेस्ट करता है नीचे या लेफ्ट साइड में, क्योंकि लेफ्ट साइड में जो आपका राइट थंब है वो आप इजीली तरीके से उस पर क्लिक करके डन कर सकते हो एंड आप इजीली तरीके से फास्ट ग्लूअल लगा सकते हो। जब भाई आप क्राउच बटन सही कर लोगे एंड जब तक आपका जो ग्लूअल बटन है वो सही नहीं होगा तो आप ग्लूअल पर क्लिक करके ग्लूअल कैसे लगाओगे मेरे भाई, ये तो आप मुझे बताओ। क्योंकि आप जब ग्लूअल जब ही लगाओगे, जब आप सिटअप ग्लूअल पे क्लिक करोगे, ग्लूअल बटन पे क्लिक करोगे, तब आपका ग्लू ना आपके हाथ में आएगा। अब ऐसे जादूगर की तरह भाई फट से ग्लू थोड़ी लगा दोगे। सो आपको ये ध्यान रखना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा नीचे रखने की कोशिश करना है। तो फर्स्ट चेंजेस तो हमारा ये हो गया, कस्टम एचडी में आपको सिर्फ यही चेंजेस करने हैं, बाकी आपको कोई भी बटन छेड़छाड़ नहीं करना है। ओके, जो सेकंड ट्रिक आती है वो आती है क्लोज रेंज ग्लूअल ट्रिक। अब देखो, बहुत बार होता है क्या, एनिमी आपके ज़्यादा क्लोज रेंज में आता है एंड आपका दिमाग भोगला जाता है कि आपको किस तरीके से ग्लू लगाओ एंड आपका ग्लू क्लोज रेंज में लगने के बजाय आपका जो ग्लू है वो यार काफ़ी ज़्यादा दूर लग जाता है। सो आपको इस गलती को कैसे सुधारना है, चलिए वो मैं आपको बताता हूं। सो देखो, आपको जो है हमेशा फायर करते वक्त जो आपका फायर बटन उसको जस्ट नीचे आपको लेकर आना है एंड देन आपको ग्लूअल लगाना है, जिससे जो आपका ग्लूअल है वो आपके पैरों में लगेगा एंड एनिमी आपको नहीं मार पाएगा। सो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, तुरंत फायर करके फायर बटन को नीचे लाना है एंड देन तुरंत ग्लूअल लगाना है, तो आपका जो ग्लूअल है वो आपके पैरों के आसपास लगेगा। ओके, नंबर 3 जो ट्रिक आती है यार, ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल ट्रिक है एंड इस ट्रिक को सुनने के बाद काफ़ी बंदे शौक होने वाले हैं। एंड इस ट्रिक का नाम है ऑलवेज यूज राइट फायर बटन फॉर सिटअप ग्लूअल। अब कुछ बंदे बोलेंगे कि यार कुछ भी यूट्यूबर तो बताते हैं कि यार लेफ्ट फायर बटन से ग्लू लगाना चाहिए तो हमारा ग्लू फास्ट लगेगा, लेकिन मैं आपको बता दूं, आपको जो है हमेशा जो अपना ग्लू लगाना है वो लगाना है आपको अपने राइट फायर बटन से। सो देखो, होता क्या है, जब आप अपने राइट फायर बटन से ग्लू लगाते हो तो आप राउंड ग्लूअल इजीली तरीके से लगा सकते हो। अगर आप लेफ्ट फायर बटन से ग्लू लगाओगे तो आप सिर्फ सिंगल ही ग्लू लगा पाओगे, आप पीसी प्लेयर की तरह ग्लू नहीं लगा पाओगे। सो अगर आप फास्ट ग्लू लगाना चाहते हो, चारों तरफ ग्लू लगाना चाहते हो, तो आपको जो अपने लेफ्ट फायर बटन को छोड़ के आपको राइट फायर बटन का इस्तेमाल करना पड़ेगा।
सो आपको बस इसी चीज़ का ध्यान रखना है। अगर आप इन तीन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देते हो तो आपका जो ग्लू वॉल है वो फास्ट लगेगा, या आप मुझसे लिख के ले लो। सो बाकी गाइस यार आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।